अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके के साथ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी फ्राइज़, जिसके लिए हमें बस चाहिए होंगे आलू और थोड़ा सा नमक। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप फ्राइज़ खाना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इनके ऊपर मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है, अच्छे से आपने पहले इनको वॉश कर लेना है। अगर आप फ्राई ज़्यादा बना रहे हैं तो आलूओं की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब कटर या नाइफ़ की मदद से हमने अच्छी तरह से इनको पील ऑफ करने के बाद भी दोबारा अच्छे से इनको वॉश कर लेना है पानी के साथ। अब यहाँ पर हम इसकी फ्राइज़ की कटिंग कर लेते हैं। पहले तो हम इसके इस तरह से स्लाइसेस कट कर लेंगे। स्लाइसेस को ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। पहले सभी आलूओं की इसी तरह से हमने स्लाइसेस कट कर लेने हैं, उसके बाद इसकी फ्राइज़ कट करेंगे। यहाँ पर देखिए जी, इस तरह से हमने इसकी फ्राइज़ कट कर लेनी है। जो फ्राइज़ का स्लाइस है उसको हमने बहुत ज़्यादा पतला या मोटा नहीं रखना, इस तरह से दरमियाना सा पीस इसका बना के हमने तैयार कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। तो इसी तरह से सारी फ्राइज़ को हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ना, सबसे मेन चीज़ कि आपने इसको वॉश नहीं करना। इसके अंदर जितना भी स्टार्च है ना, वो इसी के अंदर ही रहना चाहिए। इसको वॉश नहीं करेंगे, जो स्टार्च है उसके साथ ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ बनकर तैयार होगी। ये आपने बात जहन में रखनी है। अब सारी फ्राइज़ को इस तरह से एक बर्तन में डाल लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए होगा नमक, जो कि इसमें बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन फ्लेवर लेके आएगा। अब यहाँ पर हम आधा टीस्पून नमक लेंगे और फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से इसको हमने छिड़क देना है। और चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सभी फ्राइज़ के ऊपर ना नमक अच्छे से लग जाए। नमक लगाने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके हमने इसको रख देना है, ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है पैन के अंदर। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है और इस तरह से इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से बहुत ही अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। तो जो आलूओं के अंदर पानी था नमक लगाने के बाद आया, उसको मैंने निकाल के सभी फ्राइज इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो जो पहले के 3 से 4 मिनट है ना, आपने लो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। और उसके बाद जो 3 से 4 मिनट है ना, आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में इनको फ्राई करना है। हमने इसको डबल फ्राई नहीं करना, उससे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। एक ही बार में इस तरीके से आपने इनको फ्राई करना है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार से फ्राइज तैयार हो जाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ, सिंपल तरीके के साथ। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। बहुत ही मज़ेदार सा इनका कलर आ चुका है और सुपर क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखेंगी ये कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइज़ हमारी तैयार हो चुकी है। ना हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है, ना कॉर्नफ्लोर है, ना ही हमने इसके अंदर बेसन या अंडे वगैरह का इस्तेमाल किया है। सिर्फ आलू और थोड़े से नमक के साथ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी फ्राइज़ हमारी रेडी हो चुकी है। फ्राइज़ बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद और बढ़ाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।